बार बार एक शब्द का प्रयोग किया है कि योग से हम निम्न चेतना से किस में आ जाते हैं, लोअर कॉन्शियस से उच्च चेतना में, हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस में। ये और पूरे शरीर का दिव्य रूपांतरण, क्या कहा मैंने, बोलिए पूरे शरीर का, और शरीर ही नहीं मन का भी दिव्य रूपांतरण, जीवन का दिव्य रूपांतरण, दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से युक्त हम जीवन जीने लगते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा दिस इज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योग, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिफाइन, दिस इज अल्टीमेट गोल ऑफ योग। ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहा, रोग मुक्त जीवन, ये तो योग की प्रथम उपलब्धि है। दिव्य जीवन की प्राप्ति और सब प्रकार के अशुभ की समाप्ति, इसी को कहा तम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्य। ये योग की बहुत उन्नत स्थिति है, अशुभ का क्षय और शुभ का पूर्ण उदय, ये हुआ योग से। इसलिए सबसे बड़ी महिमा इस पूरे अस्तित्व में किसी सत्य की है, किसी जीवन पद्धति की है, किसी उपलब्धि की सबसे बड़ी महिमा है। सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कोई जीवन की है, द अल्टीमेट अचीवमेंट इन द लाइफ, दिस इज योग। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जीवन में, बोलो योग। सबसे बड़ा कर्तव्य जीवन में क्या है, बोलो योग। सबसे बड़ा कर्तव्य जीवन में योग, सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन में योग, सबसे बड़ी सफलता, अल्टीमेट सक्सेस इन द लाइफ, दिस इज योग। योग इज द अल्टीमेट सक्सेस, योग इज द अल्टीमेट अचीवमेंट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इसका अनुभव किया है, मात्र शास्त्रों की बात नहीं कह रहा हूं। तो आपको कपाल भाति कराते कराते ये तो योग की महिमा बता रहा था, जैसे हम भगवान की महिमा के बारे में कहते हैं ना, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी
तुझ में वो सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। जैसी भगवान की अनंत महिमा है, भगवान का अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऐश्वर्य, स्फूर्य अस्तित्व है, ऐसे योग की महिमा भी अनंत है। इसलिए एक पहलू है योग का, एक पक्ष है योग का कि योग से हम निरोग होते हैं, योग के द्वारा हम निरोग तो होते ही हैं, योग के द्वारा हम निर्विकार हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निर्द्वंद्व हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, सब प्रकार के रोगों, सब प्रकार के अज्ञान से, सब प्रकार की बुरी अशुभ संवेदनाओं से, अशुभ कर्मों से, और अशुभ कर्मों दोषपूर्ण ज्ञान और दोषपूर्ण प्रवृत्तियों से जनित जितने भी दुख हैं उन सब से मुक्त हो जाते हैं, इसी को मुक्ति कहा है। तो योग के कितने पहलू हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी विद्या क्या है, बोलो, योग विद्या। सबसे बड़ी विद्या क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, योग। सबसे बड़ी सफलता क्या है, योग। सबसे बड़ा कर्तव्य जीवन का क्या है, योग। ये है योग की महिमा। हम लोग ना योग के थोड़े थोड़े पक्ष को समझते हैं कि योग करेंगे निरोग हो जाएंगे, योग करेंगे मन शांत हो जाएगा, योग करेंगे स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। ये तो योग का एक पहलू है, ऐसे ही सब संदर्भों में योग की महिमा जानना। मेरे साथ मिलकर के आप सभी एक गीता के श्लोक का उच्चारण करेंगे। योग की जो महिमा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कही है, योग की जो परिभाषा है ना कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सब मेरे साथ बोलेंगे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन।
कहने के लिए ये तीन श्लोक हैं गीता के, लेकिन इन तीन श्लोकों में योग, अध्यात्म और इस पूरे अस्तित्व का सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है। मैं तीनों श्लोकों के जो अंतिम चरण का आश्रय लेता हुआ कुछ बात कह रहा हूं। समत्वम योग उच्यते, समता, समरसता, समत्व, एकत्व, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, समता, समदोषः समाग्निश्च, समधातु मलक्रियः, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभि धीयते। समत्व से तो सारे रोगों का, सारे दुखों का अंत हो जाता है। इतना बड़ा दर्शन है ये समत्व का। समत्वम योग उच्यते, योग कर्म सुकौशलम, सब प्रकार की कुशलताएं, स्किलफुल लाइफ आप जीते, विद्या में कुशलता, ज्ञान विज्ञान में कुशलता, अनुसंधान में कुशलता, कृषि में कुशलता, उद्योग में कुशलता, राजनीति में कुशलता, सामाजिक आर्थिक आध्यात्मिक जीवन में कुशलता, बहुत बड़ा शब्द है कुशलता, जीवन में संपूर्ण कुशलता किससे मिलेगी बोलो, योग से। इतना बड़ा दर्शन है योग कर्मसु कौशलम। और अगली बात, तस्मात योगी भवार्जुन, माने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तपस्युभ्योधिको योगी, अलग अलग प्रकार का तप कर रहे हैं लोग, ज्ञानिभ्योपिमतोधिक, अलग अलग प्रकार की ज्ञान विज्ञान की साधनाओं में निरत है ये संसार, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं, इन तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्म करने वाले अलग अलग प्रकार के, इन सब पुरुषार्थों में भी सबसे बड़ा पुरुषार्थ है तो योग। तस्मात योगी भव अर्जुन, माने ये छोटी बात नहीं है, इसीलिए मैंने कहा सबसे बड़ी विद्या योग विद्या, सबसे बड़ी उपलब्धि योग की उपलब्धि, सबसे बड़ी सफलता योग, सबसे बड़ी समृद्धि, सबसे बड़ा ऐश्वर्य योग, सबसे बड़ा समाधान, द अल्टीमेट सॉल्यूशन इन लाइफ, इन सोशल लाइफ, इन पॉलिटिकल लाइफ, इन यूनिवर्सल लाइफ इज योग। इसलिए योग के अनेक पहलुओं को हमने आपके बीच में रखा। अब हम योग के कुछ मूलभूत सत्यों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम योग के इस अभ्यास क्रम के में पैरों को सामने खोल लेंगे। इसको दंडासन कहा जाता है। अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबाइए और गोल गोल घुमाइए दोनों तरफ से। कोई भी आसन करते हैं तो दंडासन में बैठ करके प्रारंभ करते हैं। ये आसनों का प्रारंभ है। मैंने कहा था आपको व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग के विभिन्न पहलू, अष्टांग योग, राज योग, क्रिया योग, समाधि योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और योग पूर्वक उद्योग करते हुए कैसे जीवन में संपूर्ण समृद्धि, बाहर और भीतर की समृद्धि हम अर्जित करते हैं उसके संदर्भ में आपको बताएंगे। तो अब व्यायाम के बाद आसन, प्राणायाम और ध्यान का क्रम है। दंडासन में बैठकर के कोई भी आसन प्रारंभ करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम करके, जैसे मैंने कहा उंगलियों को, अंगूठों को, पूरे पंजे को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा ऐसे आगे पीछे घूम जाने से और
सूक्ष्म व्यायाम से योगाभ्यास की शुरुआत कर देते हैं हम। दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया और बटरफ्लाई कर ली, कितना सरल है। तो बहुत ईजी है, इसको इस तरह से बटरफ्लाई करके फिर दोनों हाथ सामने, सूक्ष्म व्यायाम करके योगाभ्यास करने का सामर्थ्य हम अर्जित कर लेते हैं। एक अभ्यास ये हुआ, फिर दूसरा, इससे बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है और हम योगाभ्यास के लिए सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम सभी कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग सहज हो जाता है।